Class, so today we are going to study chapter 6 My Mouse. The name of the chapter is My Mouse. So, in this chapter, we will be learning about mouse pad parts for mouse holding out how to hold a mouse, what's a mouse pointer using a mouse, that is, how to use it and how to take care of it, click and drag.

इस माउस के मदद से हम पिक्चर्स भी बना सकते हैं और कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं यू कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर आल्सो एंड ये कंप्यूटर का जो माउस है ये माउस वो बहु एक जिंदा चूहा की तरह ही दिखता है क्यों क्योंकि ये जैसे ये, ये माउस होता है राइट ये जो भी माउस है इस माउस का ये जो पुच्छी होता है दैट्स द वायर तो ये एक्चुअल में माउस के टेल की तरह लगता है सो so जो इसमिलिटी इस है ये जो इसमें समानता है फो जस्ट फॉर दैट अब क्या हो गया कि इसे इस डिवाइस को इस पॉइंटिंग डिवाइस को माउस का नाम दिया गया न मूविंग ऑन टू आर फर्स्ट सब टॉपिक इज अ माउस पैड ओके सो लेट्स लुक एट अड सो वी किप द माउस ऑन स्पेशल सीट वी कॉल इट अ माउस पैड अ माउस पैड किस द माउस फ्री फ्राम डस्ट एंड डट और एक स्पेशल सीट होता है यू कैन सीट इन दिक्चर ओके एंड इसे हम माउस पैड कहते हैं एंड अ माउस पैड कीप्स द माउस फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डट यानी कि धूला और गंदगी से वो बचाए रखता है माउस को खास कर नीचे से ओके मूविंग ऑन पार्ट्स ऑफ अ माउस देखते हैं पार्ट्स ऑफ असो ये आई होप एवरी वन हैज सीन द माउस सो उसमें माउस में क्या होता है इसे आई एम ड्राॅइंग फिगर ईयर ये इस तरह से है ऐसा यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन होगा यहाँ पे एक बटन होगा यहाँ पे एक बटन होगा ये वायर लगा के ये ऐसे इस तरह से रहता है ओके okay. सो so, इधर पे क्या होगा ना ये राइट बटन होगा राइट लिक जैसे लाइक यू कैन सी द पिक्चर राइट बटन और ये तो वायर है दिस इज वायर दिस इज द राइट right बटन तो मैं लिख दे रहा हूँ आर बी एंड हियर दिस इज़ द लेफ्ट बटन सो लेफ्ट एल बी ओके और ये बीच के जो पोर्शन है ना ये स्क्रोल है से ये घूमता है इस तरह से ओके यू कैन स्क्रोल इट तो ये चीज़ है सो so, ये लेफ्ट और राइट से क्या होता है एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कुछ कुछ माउस है जहाँ दो से तीन बटन हैं लेकिन ज़्यादातर आज की तारीख में माउस फ्रो द मार्केट फाइंड टू बटन्स मेनली एंड अ स्क्रोल वन ओके सो मूविंग ऑन न लेफ्ट एंड राइट बटन्स इन बटन्स का काम क्या होता है इस इन बटन से हम लोग क्लिक करके जो भी आइटम्स है उसको क्लिक करके सेलेक्ट कभी कर, कर सकते हैं या फिर उनका

ओके, सो टेल ये इट कनेक्ट्स द माउस टू दिप्यू बॉक्स राइट ये सप्यू बॉक्स के साथ कनेक्टेड रहता है एंड नाउ वट इज वी कैन फाइंड डिफरेंट वराइटीज ऑफ माउस बट मेनली ये दो तरह के होते हैं अ माउस विद स्क्रोल व्हील एंड अ माउस विथ दाउट अ स्क्रोल व्हील ओके एंड जिस माउस में स्क्रोल व्हील नहीं होता है लाइक नीचे में सो वो क्या होता है वो लेज़र माउस होता है ना मूविंग ऑन एंड वन मोर थिंग दैट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ बिन एडवांस्ड सो अब इतना एडवांस हो गया कि हमें वी डोंट नीड इवन अ वायर टू कनेक्ट द माउस टू अव वी जस्ट नीड अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड दैट सेट ब्लूटूथ कनेक्ट ब्लूटूथ से वी कैन कनेक्ट है उससे हम लोग कनेक्ट कर कर सकते हैं माउस को अपने कंप्यूटर के साथ ना अब ये जानेंगे कैसे होल्ड करते हैं माउस सो हाउ टू होल्ड अ माउस अब माउस को पकड़ना कैसा है सो एवरी वन हैव दे फाइव फिंगर्स ऑन देर हैंड हाथ सबके हाथों में पांच उंगलियां हैं और इनमें हम सिर्फ दो ही उंगलियों का प्रयोग करेंगे माउस को यूज़ करने में एक है फिंगर आ, इंडेक्स फिंगर है ना इंडेक्स फिंगर कौन सा है ये इंडेक्स फिंगर ये सेकंड वाला है उंगली का ओके सॉरी हाथ का ये स, जो दूसरा उंगली है उसे और थर्ड यानी कि मिडल फिंगर ये दो फिंगर का इस्तेमाल करेंगे सी ये देज अ पिक्चर ओके सो ये सेकंड इंडेक्स फिंगर है ओके okay. और ये थ्री वाले मिडिल आया हो समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा ये इंडेक्स और मिडिल क्या होता है ना मूविंग ऑन सो लुक एट द फाइव फिंगर्स ऑफ आर हैंड वी यूज फिंगर्स टू एंड थ्री टू होल्ड द माउस है ना और ये इंडेक्स फिंगर है टू फिंगर टू और फिंगर थ्री से मिडिल फिंगर और आराम से माउस के ऊपर रखेंगे एकदम दबा कर नहीं रखना वी डोंट हैव टू प्रेशर द माउस है ना सो so, ये जो सेकेंड फिंगर uh, है वो लेफ्ट माउस बटन के ऊपर रहेगा सोन इन द फिगर इट सेल्फ यर यहाँ पे जैसे हमें बताया जा रहा है बताया नहीं दिखाया जा रहा है uh, और फिंगर थ्री भी उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से यहाँ पिक्चर में दिखाया है एकदम जेंटली एकदम कोई दबा कर नहीं करना है एकदम आराम से रखना है मूविंग ऑन माउस पॉइंटर कभी भी आप कंप्यूटर चलाएँगे सो याइंड अ पॉइंटर देर पॉइंटर लाइक आई साइड इट्स वट डज इट वाई डू वी यूज़ इट जस्ट टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स एंड सो टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स लाइक अगर आप पॉइंटर नहीं होता एंड तो फिर वी कुडेंट सेलेक्ट वट एवर वी वॉन्ट टू सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ that we could uh, now we have the option of touch screen so therefore we don't require otherwise otherwise when there were no touch screen okay so the mouse ki thi so therefore we used mouse but now still we require a mouse in the desktop okay so now moving on sorry so the moving now moving on using a mouse okay so how do we use the mouse सो वेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन जब भी हम लोग लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हम उसे लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं लेफ्ट क्लिक किए तो वो लेफ्ट बटन पे दब रहा है ओके okay, या फिर सिंपली क्लिक अगर कोई कहता कि अगर क्लिक करो जस्ट क्लिक द बटन तो लेफ्ट बटन क्लिक करना है ना कि राइट बटन मूविंग ऑन टू सेकेंड इज राइट क्लिक तो अगर राइट right क्लिक करेंगे तो वो राइट राइट बटन को क्लिक दबाएंगे तो वो राइट right क्लिक हो जाता है दैन सिंगल क्लिक सिंगल व्हाट इज़ अ सिंगल क्लिक सिंगल क्लिक का मतलब है कि माउस बटन को दबाकर एक बार और उसको फिर से छोड़ देना वो होता है सिंगल क्लिक डबल क्लिक क्या होता है कि एक एक बार में ही विद इन अ सेकेंड एक सेकेंड में ही दो बार जल्दी से डबल लेफ्ट माउस को दो बार क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे वो होता है डबल क्लिक मूविंग ऑन टू टॉपिक क्लिक एंड ड्रैग फर्स्ट वी फर्स्ट प्रेस द लेफ्ट बटन है ना लेफ्ट बटन को दबाते हैं और उसे दबाए रखते हैं यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी आइकन कोई भी आइकन हमारे डेस्कटॉप में सपोज दैट यहाँ पे हमारा कोई आइकन है ओके okay, ये रिसाइकल बिन का मैं आइकन बनाते दे रहा ये ट्रैश वगैरह है सो so, अभी मैं मुझे इस आइकन को इस कोने में लेकर आना है ओके okay. सो so, इसे मैं लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा एक बार इस पर इस इसके ऊपर और फिर उसके बाद इस पर जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक दबाऊंगा, उसे दबा कर ही मैं इसे खींचते हुए माउस को मैं यहाँ तक लेकर आऊंगा इस जगह में और छोड़ दूँगा मैं छोड़ दूँगा माउस का क्लिक को तो ये क्या हो जाएगा ना ये चीज़ यहाँ आ जाएगा तो अगर इफ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट एंड देन कॉपी कॉपी द एनी कॉपी एनीथिंग, ओके देन यू कैन ड्रैग यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू मूव एनी आइकन और एनीथिंग फ्रॉम द एनीथिंग इन द फोल्ड ओके मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक मूविंग अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन अब कैसे होगा ये ओके okay. सो ले सी सी यू यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है वैन वी क्लिक ऑन द एरो द टॉप ऑफ ऑन द टॉप राइट इधर में है ना सो so, ये लाइन अप ये ऊपर चला जाता है और अगर एंड इफ हम चाहते कि हम पेज के नीचे आए तो यहाँ पे सो so यहाँ पे ये चीज़ है एरो डाउन एरो उस पर क्लिक करेंगे और एल्स और एल्स क्या करेंगे कि माउस में जो स्क्रोल बटन है आई शोड यू इन द इन द फर्स्ट ओके सो स्क्रोल बटन को आ, स्क्रोल करेंगे उसे स्क्रोल करना है नहीं स्क्रोल करना है वो तो ये पेज नीचे ऊपर नीचे ऊपर हो सकता है और और तीसरा चीज़ और एक चीज़ कर सकते हैं जैसे ये 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 जो स्लाइडिंग बार दिख रहे हैं ना इसको इस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसे नीचे की ओर खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा ओके okay, सो so मैंने अभी तीन तरह से कैसे हम लोग फ्रॉम अप टू डाउन हाउ कैन वी पेज अप एंड डाउन वी कैन डू द पेज अप एंड डाउन आई शॉड आई शोड यू ऑल दी थ्री मैथड्स है तीन तरीका है न मूविंग ऑन द लास्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट पोर्शन या शटिंग डाउन अ कंप्यूटर कैसे सेट करना है यानी कैसे बंद करना है कंप्यूटर को दैट विल लर्न यर सो वी कैन यूज अ माउस टू डू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक वी डिसकस्ड वी कैन पॉइंट वी कैन सेलेक्ट एंड वी कैन डू वेरियस अदर्स एंड विदाउट सेलेक्टिंग अ पॉइंटिंग वी कैन नॉट डू एनी वर्क बिकॉज वी वॉन्ट हमें पता भी नहीं चलेगा ना कि किसे मैं दबा रहा हूँ क्या हो रहा है इससे करने के लिए क्या करना होगा वी वी नॉट अंडरस्टैंड वी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट सो इन साइड ऑफ इन साइड ऑफ माउस अगर uh, हमारा सिस्टम अगर स्क्रीन टच है then, uh, तो वो अलग बात है बट इफ़ इट इज़ नॉट टच स्क्रीन सो वी रिक्वायर माउस Okay, और एक और चीज है कि बड़े स्क्रीन में आप लाइक थर्टी टू इंच का अगर कोई स्क्रीन है इवन इफ इट्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बिकॉज इतने लंबे लंबे हाथ होने चाहिए सो दैट यू कैन मूव अराउंड द वाइज इट्स नॉट पॉसिबल सो वी कैन यूज अ माउस टू डू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स वन इंपॉर्टेंट टास्क इज सटिंग डाउन अ कंप्यूटर सो हाउ कैसे करेंगे सो so, सबसे पहले माउस पॉइंटर को स्टार्ट बटन में लेकर जाएंगे है ना वो स्क्रीन के एकदम से ये लेफ्ट इस एंड में होता है सो वहाँ लेकर जाएंगे विल क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करेंगे और एक मेन्यू पॉपअप इस तरह से पॉप अप कर जाएगा ओके आई शो यू इट इन द पिक्चर और फिर उस पर रहेगा टर्न ऑफ तो तुरंत से उस पर टर्न ऑफ़ करेंगे टर्न ऑफ एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा और फिर इट विल स्टार्ट शटिंग डाउन और कुछ देर बाद स्क्रीन प्लैंक हो जाएगा ओके okay. और फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमें स्विच ऑफ करना है मॉनिटर को फिर उसके बाद यूपीएस को और यूपीएस से पहले सीपीयू हाँ ये सीपीयू तो बंद हो जाएगा सीपीयू अब सीपीयू जब ऐसा जब जब टर्न ऑफ़ होता है ना तो सीपीयू को फिर से क्लिक नहीं करना है बिकॉज इफ़ यू क्लिक तो फिर वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा बिफोर अगर ऐसा करते हैं कि यू पी बंद कर दिए तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगा ओके सो न स्विच ऑफ़ वॉल स्विच जहाँ से मेन कनेक्टिविटी है वो वॉल स्विच का ओके okay. और फिर आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली टर्न ऑफ हो चुका है ओके सो दिस वॉज इट एंड दैट्स इट। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड इफ एनी वन हैव एनी इफ एनी वन हैज एनी डाउट दैन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई नंबर और यू ऑल वेन आई अपलोड दिस वीडियो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन इफ दिस नो कमेंट सेक्शन आई थिंक आप लोग को व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा सहूलियत होगा टू आस्क मी एनी डाउट ओके सो सोल बी वेटिंग फॉर यू ऑल सो थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे